गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिस्टल ओरिजिन। तो आज मैं आपके लिए फिर से एक डिटेल रीडिंग लेकर आया हूं, जिसके अंदर आज हमारा टॉपिक रहेगा क्या चल रहा है यदि आपके पार्टनर आपको छोड़कर किसी थर्ड पर्सन से अटैच हो चुके हैं और आपको कोई भी कम्युनिकेशन नहीं है, उन्होंने आपको ब्लॉक कर रखा, हर सोशल मीडिया से ब्लॉक कर रखा, आपके अंदर एंजाइटी है कि आपके पार्टनर कब वापस आप पे आ गया। तो आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में कैसा चल रहा है, वो उसके साथ खुश है या वहां से मूव ऑन करना चाहता है, फिर से आपके पास आना चाहता नहीं चाहता, क्योंकि आपके मन में तो ये ख्याल आ रहा है ना कि मुझे छोड़कर वहां पे गया तो वहां खुश होगा, मुझे भुला चुका है, सब चीज देखी जाएगी आज कुछ रीडिंग में कि ये इंसान थर्ड पार्टी के साथ मूव ऑन परमानेंटली हो चुका है या वापस आने के कुछ चांस है। आपको इस रिलेशनशिप में रहना भी चाहिए या वेट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, आपको हर चीज एक्सप्लेन करी जाएगी आज कार्ड में। तो रीडिंग को लास्ट तक देखिएगा, कोई भी पार्ट विजन स्किप ना हो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, खास इंपॉर्टेंट है कि उसकी लाइफ में क्या चल रहा है। ठीक है, रीडिंग एक जनरल रीडिंग रहेगी, कोई पर्सनल रीडिंग नहीं, को जरूरी नहीं पूरी रीडिंग आपसे रेजोनेट हो, और जितना पार्ट आपसे रेजोनेट होता है उतने क्लेम करना है, बाकी को आप स्किप कर सकते हैं। और जनरल टाइमलेस रीडिंग रहेगी, जब भी आपसे रीडिंग पहुंचते हैं तभी रीडिंग आपसे रेजोनेट कर सकती है, कोई भी जेंडर स्पेसिफाई नहीं है, मेल फीमेल सेम जेंडर कोई भी इस रीडिंग को देख सकता है या देख सकती है। साथ में एक छोटा सा नोट है, यदि आप हमारी तरह टैरो कार्ड रीडर बनना चाहते हैं तो आपको यदि कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए रिगार्डिंग द कोर्स, जो कोर्स मेरी वाइफ है भावना बाटला वो कराती हैं कोर्स, यदि आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आप मुझे डायरेक्टली व्हाट्सअप करिए 9560227240। वो ध्यान रखिएगा, इस कोर्स को सीखने के लिए कोई क्वालिफिकेशन कोई एज लिमिट नहीं होती, आप किसी भी एज में से सीखते हैं, छोटे हों चाहे बड़े हों, कोई क्वालिफिकेशन नहीं, सिर्फ एक मन में विल पावर होनी चाहिए, हमें सीखना है, अपने हाथ में एक प्रोफेशनल लेकर आना है ताकि मैं अपने आप को सेल्फ डिपेंड बना पाऊं। अर्निंग कर सकते हैं इससे, आप बहुत इजीली अर्निंग कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ आपको एक सर्टिफिकेट भी दिया जाता है, जो कि अगर आप कहीं किसी एस्ट्रोलॉग टाइप के किसी ऐप में यदि आप जॉब भी करना चाहते हैं वो सर्टिफिकेट भी वहाँ वैलिड रहता है, आप सर्टिफिकेट से वहाँ पर दिखाकर वहाँ पर आप एंट्री ले सकते हैं ताकि आप एक सेल्फ सेंटर्ड बन जाओ, अपने लिए एक सेल्फ अर्निंग बन जाओ, सेल्फ मेड बन सको, क्योंकि लेडीज को बहुत चीजें सहनी पड़ती हैं अपने घरों में। अगर आपको पैसा अर्न करना है, कोई घर से बाहर निकलने नहीं देता, तो आप एटलीस्ट एक कोर्स सीखकर आप अपने आप में एक अर्निंग करने का सोर्स क्रिएट कर सकती हैं आप अपने आप में। ठीक है, चलिए जब तो मैं कार्ड्स को शफल करता हूँ, अपने पार्टनर को ध्यान कीजिए, अपने पार्टनर को मन में तीन बार लेकर आइए ताकि रीडिंग आपसे बहुत अच्छे लेवल से रेजोनेट कर पाए। हे डिवाइन पावर, हे यूनिवर्स, प्लीज मेरे यूनिवर्स को उनको बताइए कि उनके पार्टनर की लाइफ में एक्चुअल में क्या चल रहा है, जो थर्ड पर्सन से अटैच है, क्या वो उससे कभी डिटैच होगा या नहीं होगा, जितने कार्ड्स के निकल के आते हैं। वाह, पहला ही कार्ड निकला है फाइव ऑफ वैंड्स का। अगर आपके पार्टनर और थर्ड पर्सन की बात करूं, मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे लास्ट फाइव वीक्स के अंदर अंदर आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में आपस में कोई बड़ा झगड़ा हुआ है, कुछ क्लैशेस हुए हैं, क्योंकि मैंने पहले भी आपको यही बताया कि थर्ड पार्टी जो भी है कहीं ना कहीं एक मेटेरियलिस्टिक फॉर्म में इनके साथ है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे एक झगड़े का फेस दिखाई दे रहा है, जो कि एक होता है ना कि बहुत बड़ा एक गैप, एक डिटैचमेंट कहीं ना कहीं, क्योंकि देखो जहां भी झगड़ा होगा ना वहां पे एक दूसरे के मन में खटास जरूर आएगी, कहीं ना कहीं वही चीज मुझे आती दिखाई दे रही है, जो कि आपके लिए एक पॉजिटिव साइन है। थर्ड पार्टी और आपके पार्टी के बीच में किसी चीज को लेकर एक मेजर झगड़ा हुआ, आज कार्ड्स में देखेंगे कि झगड़ा हुआ किस चीज पर है, लेकिन हाँ ये कन्फर्म है लास्ट पांच हफ्तों के अंदर अंदर कुछ झगड़ा हुआ, और हो सकता है इन फाइव वीक्स के अंदर इन्होंने शायद आपको अप्रोच भी कराओ, भले कोल्ड बिहेवियर में कराओ या आपको स्टॉकिंग करते हो, लेकिन कुछ ना कुछ इनकी एक्टिविटी टुवर्ड्स यू कहने के होती भी दिखाई दे रही है आपकी तरफ, कुछ ना कुछ इन्होंने एक्शन जरूर लिया होगा, बात करने की कोशिश, नहीं तो कोई एक सोशल मीडिया स्टॉकिंग, नहीं तो कोई ना कोई कॉल मैसेज जरूर आया होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वहां से इंसान ना एक होता है ना फेड अप हो जाना, क्योंकि जो चीज ये सोच कर गया था वहां पे वो चीज इसे मिली ही नहीं, और जिसे कहते हैं ना एक मन में रिग्रेट एक रियलाइजेशन कहने की वो चीज भी दिखाई दे रही है। सेकंड कार्ड निकला है क्वीन ऑफ पेंटेकल्स, ये आपकी एनर्जी कहने की, आपने अपना नेचर बहुत कामनेस में ले आए हैं, जैसे आप पहले इसके लिए रोया करते थे ना 24 घंटे कि वो कब आएगा, हर टाइम दिमाग में एक फ्रस्ट्रेशन एक एंजाइटी रहती थी, कहने की वो एंजाइटी और वो फ्रस्ट्रेशन कहने की खत्म होती दिखाई दे रही है, आपके अंदर एक कामनेस का नेचर मुझे यहाँ पे क्लियरली होता हुआ दिखाई दे रहा है कि आप अपने आप में सेल्फ सेंटर्ड हो चुके हो, अपने आप पे ध्यान दे रहे हो, अपने आप से सेल्फ लव करो, अपने करियर पे कहने के ध्यान दे रहे हो, लेकिन अभी आपके मन में उसके लिए इतनी वो क्रेविंग नहीं रही है जो क्रेविंग एक समय में आपके मन में रहा करती थी, क्योंकि आपको कहीं मेरा लगा कि मेरे को मेरे रोने से उसको फर्क तो पड़ नहीं रहा, तो एटलीस्ट मैं अपने पे तो फोकस करूं, अपने सेल्फ सेंटर्ड बनूं, अपने करियर पे फोकस करूं, जो आपने अपना करियर से फोकस बिल्कुल हटा दिया था, लेकिन आपकी पर्सनालिटी इस समय बिल्कुल चेंज होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि अगर आपके पार्टनर आपको अप्रोच भी कर रहे हैं तो उनको आपके अंदर एक मेजर डिजास्टर चेंज दिखाई दे रहा है, उनको ऐसा कभी लगा उनको भी ऐसा फील ही नहीं हुआ था कि आप इतना स्टबर्न नेचर के भी हो सकते हो, आप अपने लिए भी सोच सकते हो कभी, क्योंकि आपने हमेशा उसको गिवन एनर्जी दी है,
देखो ना, आप हमेशा गिवर एनर्जी में रहे हो कि आपने सिर्फ उसको प्यार दिया है, उसके लिए हर चीज करी, उसे केयर करी है, भले उसने आपको कुछ मर्जी उल्टा सीधा बोला हो, लेकिन आप हमेशा एक गिवर एनर्जी में रहे हो। लेकिन आज के डेट में देखा जाए तो आप अपने आप में एक 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 अपने कहते हैं आप इंसान अपने आप में पूरा होना, वो चीज कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। अपने आप पे ध्यान दे रहे हो, अपने फैमिली मेंबर्स पे ध्यान दे रहे हो, अपने करियर अपने वेल्थ पे आप कहीं फोकस करते रहे दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट कार्ड निकला है फोर ऑफ सॉर्ट्स का, जो कि आपके पार्टनर की एनर्जी दिखाता है। जो ये इंसान कहीं ना कहीं आपको लेकर ओवरथिंक करना, जब इंसान रात को सोचता है सोता है ना, कहीं ना कहीं आपके बारे में बहुत ओवरथिंक करता है। कोई रात इसकी ऐसी नहीं जाती कि आपके बारे में ना सोचे, क्योंकि इसे कहीं ना कहीं चीज का रियलाइजेशन तो हो चुका है, ये कहीं ना कहीं फंस चुका है और वहां से निकलना इसके लिए बहुत भारी पड़ रहा है। लेकिन एक होता है कि एक सेल्फ हील करना अपने आप को, कि मैंने गलती करी है, मुझे रियलाइज भी करना है, मुझे उस चीज का प्रायश्चित भी करना है, लेकिन थोड़ा सा अभी समय आपको देना पड़ेगा। लेकिन इसके अंदर आपके लिए वो एक फीलिंग जो आप चाहते थे ना, वो धीरे धीरे आनी शुरू हो रही है इस समय। नेक्स्ट कार्ड निकला है, वाओ, ये कार्ड बहुत अच्छा निकला है आपके लिए खास तौर से, क्योंकि कार्ड निकला है द मून का, जो कि दिखाता है कि अगर मैं थर्ड पर्सन की बात करूं, थर्ड पर्सन जो आपके पार्टनर से जुड़ी हुई थी या जुड़ा हुआ है ऑलरेडी, वो भी किसी के साथ अटैच है। इट मीन्स क्या हुआ कि कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है ना, जो भी है थर्ड पार्टी, जो भी है थर्ड पार्टी ऑलरेडी किसी के साथ जुड़ी हुई है, वो भी सिर्फ आपके पार्टनर को यूज करने के लिए आपके पार्टनर से अटैच हुई थी। हो सकता है सिर्फ फाइनेंशियल गेन्स के लिए या किसी अपने पर्पस के लिए अटैच हुई थी, लेकिन थर्ड पर्सन जो भी है आपके आपके और आपके पार्टनर के बीच में, वो आपके पार्टनर से सिर्फ एक गेम खेल रही है और कुछ भी नहीं है। और बहुत जल्द इसका डिटैचमेंट होना ही होना है, परमानेंट लेवल पर नहीं है बिल्कुल भी, कोई इमोशनल कनेक्शन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जैसे कहते हैं मेटलिस्टिक फॉर्म में इसका अपना फाइनेंशियल गेन पूरा होता है, ये लड़की यहाँ से गायब हो जाएगी आपके पार्टनर की लाइफ से, गारंटी है इस चीज की। क्योंकि वो कहते हैं कर्मा, जिस तरीके से इन्होंने आपको पेन दिया ना, जिस पेन में इन्होंने आपको डाला है, वो पेन इन्हें भी फेस करना पड़ेगा हर हाल में। और कब तक बताऊं, आने वाले 2 या 3 महीने के अंदर आपको एक कर्मा भी फेस करते हुए दिखा देंगे। ये कहते हैं रिग्रेट, आपके पास आना, अपनी गलती को रियलाइज करना। कुछ लोगों की लाइफ में हो भी चुकी है चीजें ये, कि उनके पार्टनर वापस आ चुके हैं, उनसे रियलाइजेशन मांग रहे हैं, गलती की माफी मांग रहे हैं, लेकिन जिनकी नहीं हुई है, पेंडिंग है, वो चीज इनकी बहुत जल्द होने वाली नेक्स्ट 3 मंथ्स के अंदर अंदर, क्योंकि आपके पार्टनर से सिर्फ एक गेम खेला जा रहा है मेटलिस्टिक फॉर्म में। आपके पार्टनर को कहने की कहते हैं फाइनेंशियली सक करना, वो चीज मुझे क्लियरली यहां शो हो रही है। ओके, नेक्स्ट कार्ड निकला है यहाँ पे 8 ऑफ कप्स का, जो कि मैंने दिखाया ना कि आपके पार्टनर के मन में एक रिग्रेट कहने की कोशिश दिखाई दे रही है। एक होता है ना, इंसान एक कार्मिक स्टेटस से निकलने की कोशिश करता है, वो चीज कहने की दिखाई दे रही है। ये इंसान बिल्कुल गिव अप एनर्जी में इस समय आ चुका है, क्योंकि इसके हाथ में ना तो इस समय वो थर्ड पार्टी है और ना ही आप रहे। आप अपने पे ध्यान दे रहे हो, उसकी तरफ फोकस नहीं कर रहे हो, उसको चेज नहीं कर रहे हो, लेकिन इसने हाथ थर्ड पार्टी धो दिए और आपसे भी हाथ धो बैठा है। ये कहने की कार्मिक साइकिल से निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, अपने आप को सेल्फ हील करता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे कहते हैं कि नहीं, मुझे गलती होगी, मुझे वापस से उस रिश्ते में जाना है, मतलब आपके साथ जाना है, उसके लिए कोई ना कोई एफर्ट्स लगाने की कहीं ना कहीं इसके दिमाग में सोच आ रही है इस समय। एम्प्रेस का कार्ड निकला, जो कि दिखाता है कि अगर देखा जाए आपके पार्टनर की एनर्जी देखी जाए, आपके पार्टनर जो थर्ड पर्सन है ना, थर्ड पर्सन ने उससे इतना पैसा अभी तक ऐड चुकी है, वो कहता है ना कि इंसान पूरी जिंदगी बैठ के खा जाए, वो चीज कहने की उसको कर चुके हैं। वो फाइनेंशियली उसने इतना सक करा कि आपके पार्टनर की फाइनेंशियल कंडीशन कहने की अप्स एंड डाउन हो गई है, लेकिन उसके ऊपर एक फर्क तक नहीं पड़ा। देखो, कहते हैं ना, इंसान ने पैसा लिया और वहां से गायब, वही इसकी तैयारी कहने की चल रही है, क्योंकि वो सिर्फ इसके साथ कहते हैं ना मेटलिस्टिक गेम खेलना, वो गेम खेल रही है, और वो गेम कहने के बहुत जल्द आने वाले 2 या 3 महीने में ओवर भी होने वाला है। क्योंकि आपके पार्टनर देखें, आपके पार्टनर का हाल वो होगा जो आपने सोचा भी नहीं होगा। इसकी लाइफ में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है आने वाले 2 या 3 महीने में, खास तौर से हो सकता है इसके लाइफ में कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम आए, और बहुत बड़ी प्रॉब्लम इस तरह आएगी, ये इंसान है उससे जल्दी से ओवरकम नहीं कर पाएगा। इसके लाइफ में इसको ये पता लगेगा कि इसने किस इंसान पे विश्वास कर, वो इंसान किस तरीके से इसको जो है ना फाइनेंशियली सक करके चले जाना, वो चीज दिखाई दे रही है। और ये जानते हैं उसके साथ उस मोमेंट पे आपके पास आएगा, क्योंकि आप इसके साथ हमेशा एक पिलर बन के रहते थे। लेकिन ध्यान रखना, फाइनेंशियल हेल्प बिल्कुल भी नहीं करनी है, भले कितना मर्जी गिड़गिड़ाए, रोए, कुछ मर्जी करे। आपने इसके पहले भी फाइनेंशियल हेल्प बहुत करी है, फाइनेंशियली, इमोशनली, फिजिकली बहुत हेल्प करी है इसकी, लेकिन अब खास तौर से अपने इमोशन से कंट्रोल रखना। अगर ये आपको आता भी है कोई फाइनेंशियल हेल्प लेने के लिए, तो नहीं देनी है, क्लियर सा नो बोल देना, नहीं तो ये ना हो कि आपके हाथ से पैसा भी जाए। साथ में कार्ड निकला हरमिट का कार्ड निकला, जो कि क्लियरली शो करता है ये इंसान इस समय काफी रिग्रेट, काफी एंजाइटी, काफी स्ट्रेस में दिखाई दे रहा है। अपनी गलती का प्रायश्चित करना चाहता है, इसी गलती की रियलाइजेशन मुझे होता हुआ दिखाई दे रहा है,
कि हाँ आपने उसके साथ एक पूरा इक्वल गिव एंड टेक रखा है, लेकिन इसने आपका जैसे कहते हैं ना कि एक सिर्फ एक प्यार स्टार्टिंग में प्यार था, लेकिन कहते हैं इसने किसी की वजह से जो आपको छोड़ा है ना, वो चीज इसे कहने के रियलाइज उसे दिखाई दे रही कि हाँ उसको आपसे भी प्यार नहीं मिल पाया ना उसको वहां से प्यार मिला। आप उसे प्यार दे रहे, आपके प्यार की कदर नहीं करी, लेकिन आज की डेट में इसको आपके प्यार की कदर होते हुए दिखाई दे रही, आपके हर एक वर्ड की कदर होते दिखाई दे रही कि आप किस तरीके से केयर किया करते थे, आप किस तरीके से इसके साथ एक पिलर की फॉर्म में खड़े रहते। लेकिन आज के डेट में इंसान भीड़ में भी कहने अकेला फील कर रहा है अपने आपको। ओके, यहाँ कार्ड निकला है अपना यहाँ पे एट ऑफ स्वॉर्ड्स को, जो क्लियरली शो करता है इस इंसान की जिसे कहते हैं अभी इस समय दिल और दिमाग की लड़ाई चल रही है, क्योंकि आपके पास आना तो चाहता है, लेकिन उसने ये भी देखा है आपके अंदर आपका नेचर बहुत स्टबन हो चुका है, आप अपने आप में कहीं ना कहीं सेल्फ सेंटर्ड हो चुके हो, क्योंकि आप अपने डीपीस कहीं पर स्टेटस अपने ऐसे लगाते हो आप अपनी लाइफ में बहुत खुश हो, तो आपके पास आता है डर है, क्योंकि उसको ये भी दिमाग में है कि अगर ये आपके पास आएगा तो आपके मन में सवाल बहुत सारे हैं और इसके पास उसको जवाब नहीं है, तो कहने की एक राइट मोमेंट का वेट कर रहा है। लेकिन हाँ, इसके मन में एक अवेकनिंग हो चुकी है कि हाँ ये किसी गलत पाथ पर था, किसी गलत राह पर था, जहां से इसको निकलना बहुत जरूरी है, और कहने के निकलता हुआ भी यहाँ दिखाई दे रहा है मुझे। आपको फिर बोल रहा हूँ गिव अप नहीं करना है, आप जिस फॉर्म में चाहते हो ना इस इंसान को, ये उस फॉर्म में अपने आप आपके सामने आएगा। हाँ, वेटिंग पीरियड थोड़ा 2-3 महीने का हो सकता है, लेकिन ट्रस्ट मी ही विल डेफिनेटली कम टू यू। जस्टिस का कार्ड है, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स है, यूनिवर्स की मैसेज आया है, आपको जस्टिस मिलेगा और हर हाल में मिलेगा। अगर आप रिश्ते को जिस तरीके से चलाना चाहते हैं ना आप, ये रिश्ता उस तरीके से चलेगा, ये अपने मुंह से एक शब्द नहीं बोलेगा, साथ में आपको आपका माफी भी मांगेगा, अपनी गलती रियलाइज भी करेगा, प्रायश्चित भी करेगा, और आपको जस्टिस भी हर हाल में ईश्वर के थ्रू मिलेगा ही मिलेगा। आपको गिव अप नहीं करना, फिर बोल रहा हूँ ये इंसान फिर से अपनी गलती रियलाइज करने बहुत जल्द आ रहा है आपके पास। देखो मेरा कार्ड आया ना 7 of Pentacles का कार्ड है, मैंने बोला फाइनेंशियली कहने के बहुत ज्यादा परेशान होने वाला है आने वाले टाइम में, बात करूं कब तक तो अराउंड मान के चलो आने वाले 10 से 15 दिनों के अंदर इसके सामने कुछ चीज ऐसी आने वाली है जो कि अनएक्सपेक्टेड होगी, जो इसने सोची भी नहीं होगी, और वो इसके लिए कहने के एक बहुत एक बैड न्यूज बन के आ सकती है, खासतौर से फाइनेंशियल्स को लेकर। लेकिन इसने जो पैसा दिया है ना वहां पर थर्ड पर्सन को, वहां से पैसा वापस नहीं आएगा इसका बिल्कुल भी, ये सोच के बैठा है कि मैंने वहां पैसा दिया मुझे पैसा वापस दे देगी, तो ये इसकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। ये बहुत ज्यादा जिसे कहते हैं डेप्ट में आने वाला है आने वाले इन 2 या 3 महीने के अंदर अंदर, और बहुत ज्यादा परेशान होने वाला है इसको। इसके कहते हैं ख्वाब में भी नहीं है कि इसके सामने कौन सी बड़ी मुसीबत आने वाली है, और बहुत जल्द आएगी, और इसको तब तक रियलाइज होगा कि हाँ मैंने गलत इंसान पर इन्वेस्ट कर दिया, जो सही इंसान था उसकी कदर नहीं करी और गलत पे इन्वेस्ट कर दिया, वो चीज के सामने बहुत जल्द आने वाली है। नेक्स्ट कार्ड निकला हाई प्रेस्टेज का, मैंने कहा ना वो लेडी बहुत मैनिपुलेटर है, बहुत बड़ी मैनिपुलेटर है, इसने लेडी ने इसके ऊपर कुछ ऐसा कर रखा था जो कि इसके दिमाग को बांध रखा था, ठीक है ना, जिसे कहते हैं ना कि सम काइंड ऑफ स्पेल, सम काइंड ऑफ मैजिक, सम ब्लैक मैजिक एंड ऑल, वशीकरण एंड ऑल कुछ ऐसा कर रखा था कि ताकि ये इंसान उसके पूरे वश में रहे, और ये इंसान चाहकर भी उसके वहां से निकल नहीं पाता। हो सकता है इसने आपको बीच में कुछ बात भी करी हो, उसने बोला भी हो आपसे कि मैं वहां से निकलना चाहता हूं, बट मैं वहां से निकल नहीं पा रहा हूं, क्योंकि इसने इसका ब्रेन वॉच कर रखा था, वो कहने के वही चीज में दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर से उसने पैसा ऐठा है और बहुत जबरदस्त तरीके में ऐठा है, और उसका भुगतान तो उसे भुगतना पड़ेगा हर हाल में। ये इंसान कोई दिन ऐसा नहीं जाता आपके बारे में ना सोचे, बहुत ओवर थिंकिंग, बहुत स्ट्रेस, बहुत एंजाइटी में रहता है इंसान, जिसे कहते हैं ना आपके पास आने कोई ना कोई प्लानिंग करना, आपके साथ बहुत लंबा एक रिश्ता देखना, अगर इसने आपको कमिटमेंट नहीं करा, ये इंसान आपको कमिटमेंट भी दे सकता है आने वाले समय में। देखो कार्ड भी 3 of Pentacles का निकला है, मैंने आपको 3 months का टाइम पीरियड दिया है, 3 months के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा होगा आपके सामने अनएक्सपेक्टेड कि इंसान आपके सामने अपने आप आएगा, गलती की माफी भी मांग सकता है, और कहने के जिसे कहते हैं ना कि आपको रिलेशनशिप के लिए कमिटमेंट देना वो चीज भी दे सकता है, क्योंकि उस कार्मिक साइकिल से बहुत जल्द आउट होने वाला है, बहुत जल्द ओवर होने वाली है कार्मिक साइकिल थर्ड पर्सन वाली, आपका वेटिंग पीरियड कहने खत्म होने जा रहा है, इसलिए बोल रहा हूँ गिव अप करते हो तो आप मान के चलो अगला स्टेप आपको सक्सेस का होना, जो आप कहने के खो दोगे फिर, तो इसलिए गिव अप की एनर्जी तो बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं है, ना ही मैं बोलूंगा आपको। कार्ड एक्शन का आया है जो कि शो करता है ये बहुत जल्द एक्शन लेने वाला है, जो 3 महीने का टाइम पीरियड, ये मैक्सिमम टाइम पीरियड है, इन बिटवीन 3 दिन भी हो सकते हैं, 3 हफ्ते भी हो सकते हैं, लेकिन इसके अंदर आपके लिए एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन, एक क्रेविंग, एक डेस्परेशन, एक ऑब्सेशन कहने के मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है, और ये बहुत जल्द वापस आपके पास आने वाला। मिनिमम टाइम पीरियड बताऊं तो इस मंथ की एंड तक 30 सितंबर तक हो सकता है कोई ना कोई दस्तक ही आपके लाइफ में आकर दे दे। स्टार कार्ड आया है फिर से, लास्ट कार्ड जो है हमारा गुड न्यूज का, कि आपके लाइफ में कोई एक गुड न्यूज आ सकती है और बहुत जल्द आएगी, जो कि आपकी लाइफ चेंज कर देगी बिल्कुल, जिसे कहते हैं ना कि
जो आपकी मैनिफेस्टेशन है, कहने की वो मैनिफेस्टेशन पूरी हो सकती है, जो आप इतने टाइम से इस पार्टनर को याद कर रहे हो कि आपके पास अपने आप आए, आपसे प्यार करे, आपको फिर से पुरानी जिंदगी, जैसे आप दोनों की पुरानी जिंदगी अच्छी चल रही थी, दोनों की कमिटमेंट वाली वो जिंदगी मिले, वो कहने की मिलने जा रही है आपको। फिर बोल रहा हूँ यहाँ पर आपको किसी भी हाल में गिवअप नहीं करना है, ये इंसान आ रहा है और बहुत जल्द आ रहा है और आपका ही बनकर रहेगा, दोबारा को थर्ड पर्सन की एंट्री इसकी लाइफ में नहीं होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। यदि आपको रेड वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। और हाँ, आज रीडिंग बहुत अच्छी गई है, पॉजिटिव गई है, थर्ड पर्सन की जो एंट्री थी कहने की वो ओवर होने वाली है और आपके पास इंसान फिर से आ रहा है, तो इसलिए प्लीज क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में 111 लिखना मत भूलिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।